हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम इन हिंदी में। और आज है 31 जुलाई 2020। तो आज की करंट अफेयर जो है टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डैश ने आश्रय नामक मेडिकल बेस आइसोलेशन सिस्टम की शुरुआत की है, तो किसने करी है? DIIT ने जो है ये शुरुआत करी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ISIS से संबंधित विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी दल रिपोर्ट जारी की है? तो वो संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC और डैश ने अपना सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, मेहदी मोहम्मद गुलैद किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? सोमालिया ने। अगला प्रश्न है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो वायरल आचार्य जी इसकी पुस्तक के रचयिता हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, भारत के पहले COVID-19 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, तो इसका उत्तर है बेल्यो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो इसका उत्तर है अर्चना सोरेंग, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा। अगला है, डैश ने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी किया है, तो किसने रिपोर्ट जारी की है? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीतने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए जैमी वार्डी, जैमी वार्डी जी ने जो है ये सबसे ज़्यादा उम्र खिलाड़ी गोल्डन प्रीमियर बूट जीतने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल के जो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे भी प्लीज़ ज़रा प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।